विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से आम आदमी परेशान हो रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें, यह मामला है सीतापुर के विद्युत खंड बिस्वा के केंद्र इमरिया सुल्तानपुर का, जहां क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें प्रार्थी अजय कुमार तिवारी निवासी ग्राम फदलापुर ब्लॉक एलिया ने कहा कि उनके ट्यूबवेल का कनेक्शन करवा रखा है जिसका केबल खंभे सभी टूट चुके हैं, जिसको बंधवाने के लिए जेई व एसडीओ को सूचना दे दी है, मगर कोई भी अधिकारी अभी तक उसे देखने तक नहीं आया, जिसकी वजह से खेतों में सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। किसान, जिसे भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर संभव सहायता देने के लिए जुटे हुए हैं, वहीं यह प्रशासन किसानों को परेशान करने पे तुला है। इस तरीके की घोर लापरवाही सामने आ रही है। सिंचाई न हो पाने की वजह से सभी परेशान हैं। अर्थी बार बार चक्कर लगा रहा है, मगर किसी भी अधिकारी की नींद शायद नहीं खुल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री 18 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दे चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए यह अफसरशाही नजर आ रही है। ट्रांसफर और निलंबन का भय जब निकल जाता है तो कर्मचारी और अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, उसी का खामियाजा क्षेत्र की जनता शायद भुगत रही है। R9 भारत के लिए उमेश सिंह की रिपोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। क्या कह रहे हैं? और गांव में स्टेबलाइजर लगे हैं 5 वोल्ट के। अच्छा। वही वोल्टेज है, बहुत डाउन है, पंखे भी तक नहीं चल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए कोई एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन मैंने जेई एसडीओ को दिया, जेई को मार कर दिया, पावर हाउस पर ले जाके दे दिया है, अभी कोई नहीं है, देख रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैं नहीं जाएंगे देख रहे हैं। अच्छा, मैंने विजिलेंस का सूचना दिया तो वो मैंने बता दिया स्टेबलाइजर चल रहे हैं, तभी वो आ रहे हैं, कह आ जाएंगे, नंबर भी ब्लैक लिस्ट में जोड़ दिए। सूचना दे दिया? हाँ, सूचना मैंने सबको दे दिया है। अच्छा, आया कोई नहीं? आया कोई नहीं, मेरे केबल बंद ही रहा है, वो केबल हमारे गांव के नोच दिए हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार त्रिपाठी। अच्छा, कौन सा गांव है? खदिलापुर। अच्छा, कहाँ से ये पावर हाउस कौन सा? इमलिया सुल्तानपुर। ओके।